हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी करेंगे हम लोग रागा का मॉक टेस्ट नंबर 10। और मॉक टेस्ट नंबर 9 तक तो प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया मैंने, फिर भी कमेंट करके बोल रहे हो सर इसका रागा का मॉक टेस्ट का प्लेलिस्ट बना दो। मतलब एक बार छाती पीट पीट के हाय हाय करते हो खाली, एक बार चेक कर लिया करो प्लेलिस्ट में भी जाके। बाकी जो है इंपॉर्टेंट पीडीएफ क्लासेस में जो मैं करा रहा हूँ, और आज से आपकी वोकैबुलरी की क्लासेस वगैरह होंगी यूट्यूब पे, उन सबको मैं आपको सबकी पीडीएफ को ना मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते जाऊंगा। तो सर्च करो टेलीग्राम पे @A2ZStudy और ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह मैं देते जाऊँगा। जो फ्री वाली पीडीएफ होंगी सब टेलीग्राम पे मिलते जाएंगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में जाके चेक कर लिया करो टेलीग्राम के। और जो भी अगर वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट लगा रहे हो या फिर अभी तक नहीं लगा रहे हो, तो A2ZStudy ऐप को डाउनलोड करो। लाइफ में एक बार A2ZStudy की मॉक टेस्ट को लगा के जाओ। वाई ग्रुप की फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, ठीक है। व्हाट्सएप करो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो, अदरवाइज आप खुद से भी A2ZStudy ऐप डाउनलोड करके खुद से भी टेस्ट सीरीज बाय करके लगा पाओगे। इसमें वीडियो सॉल्यूशन मिलेगी, मिनिमम आपको इसके अंदर 15 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। टाइम रहा तो और ऐड कर देंगे, तो 15 प्लस ही रहेगा, इस चीज़ के लिए श्योर रहो आप, ठीक है। बिकॉज पिछली बार भी मैंने 15 कहा था लेकिन 25 प्लस हमने दिया था, वो सब टाइम पे डिपेंड करता है जनाब, ठीक है। अब इसलिए ना पहले से कोई कमिटमेंट नहीं कि इस बार भी 25 करा देंगे, बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा दे सकूँ, बट मिनिमम 15 मॉक टेस्ट तो देंगे हम लोग, साथ में वीडियो सॉल्यूशंस भी देंगे, ओके। चलो अब ये रहा, अगर आप पेड बैचेस से ज्वाइन हो तो आपको मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ और खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीडीएफ मॉक टेस्ट आपको सब पेड बैच के अंदर सब मिल जाएगा। साथ में अगर पेड बैच नहीं लिए हो और बहुत बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो कम टाइम में, तो इस बैच को ज्वाइन कर लो। 01/2024 बैच को A2ZStudy ऐप पे ही मिलेगा आपको, ठीक है। जस्ट ₹600 में ना आपको रगा की और इंग्लिश ग्रामर वगैरह जो भी चीज़ें सब कुछ इंग्लिश रगा की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक टॉपिक की, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, लाइव नहीं रहेंगी। लाइव में बहुत बच्चा टाइम वेस्ट कराते हैं सब खाली बात कर करके, ठीक है। तो रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी पूरी, और बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज रहेगा, 40+ टेस्ट सीरीज ओल्ड एंड न्यू मिला के, और पेड पीडीएफ वगैरह सब उस बैच में मिल जाएगा, ठीक है। इस बैच के लिए भी आपको ऐप को डाउनलोड करके करो, और कुछ समझ में ना आए तो व्हाट्सअप करके पूछ लो, ठीक है। अगर आप सिर्फ इंग्लिश की क्लास बाई करना चाहते हो ₹100 वालो, तो इंग्लिश की भी बैचेस हैं हमारे पास, आराम से उसको भी ज्वाइन कर पाओगे। फर्स्ट देखो अगर आपको दिमाग में आ रहा होगा पेडोलॉजी का आ रहा है, देखो पीडोलॉजी लिखा है हिंदी में, टाइपिंग एरर है, पेडोलॉजी कहते हैं इंग्लिश सही है, पीडो नहीं, पेडोलॉजी का अध्ययन जो है ना क्या है भाई, पेडोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन करते हो आप, कहोगे सर भूमि का, फलों का, चट्टानों का या फिर पौधों का, तो पेडोलॉजी के अंदर सोयल का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे देखो चेचक के टीके का विकास किसने किया या फिर खोज किसने किया, आविष्कार किसने किया, जो भी सवाल पूछे, तो चेचक के टीके का जो आविष्कार एडवर्ड जेनर भैया ने किया था, हमारे साथ पढ़ते थे, ठीक है, पिछले जन्म में, इस जन्म में नहीं, करेक्ट आंसर भी होगा। आगे पीसा का मीनार क्या, देखो पीसा का मीनार का मतलब वो नहीं जिस मीनार पे पैसा देके चढ़ गए उसको पीसा का मीनार, वो मीनार नहीं, ये एक अलग है पीसा का मीनार, ठीक है, जो कि हम लोग कहते हैं ना कुतुब मीनार, वैसे एक है इनके यहाँ पीसा का मीनार, वो है इटली में, ओके। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होते, तो सबसे पहले तो कार्यपालिका के अध्यक्ष को भी साइड में रखो, एक चीज हम जो भारत की जो संविधान है उसके कितने स्तंभ है, हम लोग सुनते हैं ना कि देखो प्रेस जो है ना जिसको कहते हो क्या कहते हैं, चलो मीडिया कहते हैं, प्रेस कहते हैं इनको, ये फोर्थ पिलर है हमारे संविधान के, ऐसा हमको सुनने में आता है। ये तीन और पिलर्स क्या हैं पता है आपको, नहीं पता है मैं बताता हूँ, कार्यपालिका है, ठीक है, विधायिका है और न्यायपालिका है, ये तीन जो है बाकी के तीन, और चौथा क्या है भाई प्रेस, ये चार पिलर्स या फिर स्तंभ है हमारे संविधान के, याद रहेगा कि संविधान के कितने स्तंभ है, चार स्तंभ है, पहला दूसरा तीसरा मैंने बता दिया, चौथा आपको प्रेस को कहा जाता है, उसी में से कार्यपालिका भी एक है। कार्यपालिका का जो अध्यक्ष किसको माना जाता है, तो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को माना जाता है, ओके। आगे देखो बिहू जो त्यौहार है वो बहुत बार पूछा गया है एयरफोर्स के एग्जाम में, ठीक है, किस स्टेट में मनता है, वो आसाम के अंदर मनता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत, मतलब एक जो है ना आपका ये बना है एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत नाम से, तो किसने बनाया जो कि इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है, तो आपको लग रहा होगा DRDO ने बनाया होगा, नहीं, इसको कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए है, ओके, पिछले साल का ही है। S-400 मिसाइल जो है ना वो मतलब किस कंट्री से खरीदा गया है, भारत ने कौन से S-400 खरीदा है,
ये हमेशा न्यूज में रहता है, S-400 आपने बहुत बार सुना भी होगा अगर आप न्यूज, तो ये रसिया से खरीदा गया है। ओके आगे देखो, एक लड़की का परिचय देते हुए रमा ने कहा, अब रमा कहती है, सुनना रमा जी क्या कहती है, ध्यान से सुनना ठीक है। रमा कहती है किसके, एक लड़के के बारे में, इसके बहन के पिता। अब एक लड़का है ठीक है, मतलब एक बुआई है, इसके पिता नहीं, इसके बहन के पिता। सवाल बनाने वाला भी, गर्ल के जो फादर है ना ये, अब वो कौन है, कह रही है मेरे ग्रैंड फादर के इकलौते पोते हैं। अब ये ग्रैंड फादर बोले तो रमा के ग्रैंड फादर, मतलब रमा के पहले पिताजी होंगे और उसके पिताजी, मतलब ग्रैंड फादर के इकलौते पोते हैं ये, मतलब उसके दादा का इकलौता पोता, मतलब उसके पिताजी का बेटा ठीक है, ये हो सकता है, ग्रैंड फादर के इकलौते पोते हैं। तो रमा लड़के से किस प्रकार संबंधित है। अब ये देखो, ये जो मतलब लड़का का, या फिर ये जो लड़के की बहन के जो पिता है ना, वो रमा क्या हो गया, उसके भाई निकल गए, तो भाई की बहन क्या लगेगी, हमारी बुआ लगेंगी ठीक है। तो फिर फैसला भैया कर दो, करेक्ट आंसर बी है अंट। ओके चलो, अब ये मत सोच लेना कि फ्री फायर खेलते हैं हम सब बहुत पहले खेला करते थे 2017 के टाइम पे ठीक है, जब आप शायद आपके हाथ में फोन होगा कि नहीं होगा। एक निश्चित कोड भाषा में इंडिया को LQGLD लिखा जाता है, तो जापान को क्या लिखा जाएगा। वैसे मैं फ्री फायर नहीं, पबजी खेलता था ठीक है। आगे देखो, जब एक निश्चित कोड भाषा में इंडिया को LQGLD लिखा जाता है, तो जापान को लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। देखो पहली बात तो ये इंडिया ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग LQGLD। ओके तो जापान को क्या लिखेंगे, ठीक है तो जापान को क्या लिखेंगे, तो आई में क्या किया, तीन ऐड कर दिया JKL, फिर एन में तीन ऐड कर दिया, डी में थ्री ऐड कर दिया, थ्री ऐड करते गया, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, एक बात BCD। तो वैसे लोग जापान में तीन तीन ऐड करते जाओ, जे के बाद तीन काउंट करो, KLM ठीक है, ए में तीन ऐड करते जाओ, BCD ठीक है, तीन ऐड कर दिया, तो फिर MD से स्टार्ट है क्या, ऑप्शन नंबर सी वाला स्टार्ट है MD से, करेक्ट आंसर इसका सी है। 10 नंबर देखते हैं, पूछ रहा है ये जो फिगर है अगर इसका ये मिरर लगा देंगे हम राइट साइड में तो ये कैसा बन जाएगा। ठीक है भाई, पहली बात तो ये ऐसे बनेगा नहीं, ये सवाल नहीं होता, बिकॉज इस साइड जो गैप है वो इधर घूम के आ जाना है इनको, तो ए और सी तो बेतुका है। अब बी और डी में सवाल बनता है, तो बी हमने काट ही दिया, तो बचा डी। अब इस साइड जो ज्यादा गैप वो आ गया, और ये जो पॉइंट सटा हुआ था इधर है, करेक्ट है ना। चलो 11th नंबर क्वेश्चन क्या है आपसे, अनुष्का एल बिंदु से प्रारंभ करती है, क्या प्रारंभ करती है, चलना प्रारंभ करती है, 10 मीटर उत्तर की ओर चलती है। पहली बात तो एल बिंदु यहाँ पे 10 मीटर चलती है उत्तर की तरफ, फिर यहाँ से राइट मुड़कर 5 मीटर चलती है, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ती है, अनुष्का बहन जी 10 मीटर चलती है, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़कर 5 मीटर चलती है, इनको क्या चुल मची है, 5 मीटर चली और एम बिंदु पर आ गई, वह प्रारंभिक बिंदु एल से कितनी दूरी पे, देखो यहाँ से गई थी यहाँ को आ गई, अब ये भी 10 है, तो इसके समानांतर पैरेलल वाला भी 10, ऊपर वाला 10 और नीचे वाला 10, 10 10 मिलके कहेंगे बस 20 मीटर बन जाए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ठीक है। देखो 12 नंबर कह रहा है, अगर जो ये इक्वेशन है 92 स्टार 4 स्टार 2 स्टार 184 ठीक है, तो ये कह रहा है ना कि बताओ इसका पहचान करो किसकी, अगर किसको हम यहाँ पे रख दें तब जाके इसकी वैल्यू 184 के बराबर आ जाए। अगर हम पहले वाला रख दें ठीक है, पहले वाला रख देंगे तो क्या बनेगा हमारा, 3 स्टार अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, प्लस कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, तो इसकी वैल्यू मिलेगी नहीं कुछ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर करना है वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा। अगर हम बी वाला रखते हैं तो हो जाएगा 94 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 184, तो ये 4 दूनी 8 और 8 में अगर छोड़ोगे ये तो 94 तो कभी मिलेगा नहीं, और भी बड़ा वैल्यू मिल जाएगा। सी वाला कर लो, 92 मल्टीप्लाई था ये, 92 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 184 मिलेगा क्या, ये बन जाएगा 4 दूनी 8, 9 6 36, डिवाइड मारोगे 2 से तो मिल जाएगा आपका इतना 184, करेक्ट आंसर आपका सी ही है ठीक है। तो आप आराम से इन सबको ना सॉल्व कर करके एक एक बार देख लिया करो। आगे देखो 13th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सब में से नल्ला ऑप्शन कौन सा उसको चुनो, नल्ला इन द सेंस की सबसे ऑड क्या है। देखो
यूबीएक्स ये बीसीडी एचआईजेपी की बात पढ़ दिया हमने, लग रहा सबके सब लगातार ही है, ऐसा नहीं है। देखो पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर, एच के बाद आई, आई के बाद जे, बी के बाद सी, सी के बाद डी, लेकिन यू के बाद भी और बी के बाद एक्स नहीं आता, डब्ल्यू आता है। मतलब बीच में डब्ल्यू गायब कर दिया गया है, डब्ल्यू भैया गायब हो गया, उनको बुलाने से पहले हम ए को नल्ला घोषित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 14th नंबर कह रहा है देखो अगर 14, 26, 17 दो दो वाट, तो इस वाट की जगह पे बताओ। जरूरी नहीं है कि 14, 26, 17 का ही रिलेशन हो, ऐसे भी हो सकता है, वर्टिकल भी, वर्टिकल देखो हॉरिजेंटल देखो किस तरीके से मिलता है। बस अपनी जिंदगी का एक ये काम कर देना है कि इस वाट वाले जगह का ना बता देना कि क्या फील करेंगे कि हमारा सही बैठेगा। देखो इसमें किया क्या गया है ना, 4 3 12, 12 प्लस में 2 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 14। मतलब नीचे के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगा उसमें 2 ऐड कर दो, फिर 6 × 4 करोगे क्या होगा, 24, 24 में 2 जोड़ देंगे 26, वैसे ही 5 × 3 हो जाएगा कितना, 15, 15 में एक्स जोड़ दो वैल्यू 17 मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे पूछ रहा ना क्या जोड़े हम, तो हम एक्स जोड़ लेते हैं तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो करेक्ट आंसर डी। ठीक है चलो आ गया बात समझ में, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 15th नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगर हम 16 के साथ कुछ कर देंगे तो 33 बन जाएगा, और 33 के साथ कुछ ऐसा कर दो कि 53 बन जाए, 53 के साथ कुछ कमाल करो कि 76 बने, और 76 कमाल करके खुद 102 बन जाएगा, तो 102 क्या कमाल करेगी, क्या बनेगा, ये चीज पूछेगा आपसे। ठीक है पहली बात तो ये 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और 32 में एक जोड़ेंगे 33, लेकिन 36 सॉरी 33 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करो 66 मिलेगा, जो कि 53 से बहुत बड़ा वैल्यू मिल गया, तो फिर ये खेला खत्म, ये वाला तमाशा नहीं चलेगा। ठीक है अब दूसरा तमाशा देखते हैं हम लोग, हम लोगों ने इसके अंदर कितना ऐड किया है। कहोगे तो क्या सर आपको यही नहीं पता, आप पढ़ाने चलाते हो, कुछ जोड़ के देख लो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, 17 ऐड किया है शायद। फिर अगर आप 33 में पूछा जाए कितना ऐड किया है तो बोलोगे सर 20 ऐड कर रखा है, अगर फिर 53 में पूछे कितना ऐड कर रखा है तो बोलोगे सर 23 ऐड किया तो 76 बन गया, फिर मैं पूछूं 76 में कितना ऐड किया तो फिर 102 बन जाए तो बोलोगे सर कुछ नहीं बस 26 ऐड कर दो, मस्त एकदम आ जाएगा आंसर। तो फिर आगे क्या ऐड करें, देखो 17 में 3 ज्यादा, 20 से 3 ज्यादा 23, 23 से 3 ज्यादा 26, तो 26 से 3 ज्यादा क्या होता है, बोलोगे 29 होता है, तो 102 में अगर 29 ऐड कर देंगे तो 131 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना एकदम मस्त। आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल, कह रहा है ये जो फोटो है किसके अंदर छुपा हुआ है, ये चीज आपको बताना है। भाई देख ए के अंदर नहीं है, बिकॉज उनके अंदर स्क्वायर मिल जाएगा, ट्रायंगल मिल जाएगा, पेंटागॉन नहीं मिलना। ठीक है पेंटागॉन तो है ही नहीं, मतलब पंचभुज है ही नहीं इसके अंदर, है ना, नहीं है ना क्या। अब इसके अंदर भी देखो नहीं है, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, अब ये पेंटागोन है तो ऊपर में इसका देखो कैसे ये बना दिया, गोल टाइप का बना दिया, ऐसे एकदम फ्लैट नहीं है, ये फ्लैट नहीं है मतलब। ठीक है अब बचा सी, तो सी के अंदर कहीं पेंटागोन है ही नहीं पंचभुज। अब बचा डी, तो डी का देखो ये जो है ना उसका चपटा करके मिल जाएगा इधर, अगर फोटो को हम जूम उम करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर ऊपर का ये भाग हमको मिल जाएगा, दिख रहा ऊपर का, करेक्ट आंसर डी है। कभी कभार सवाल ऐसे भी कंफ्यूज करके देता है एग्जाम। 17 नंबर कह रहा है अगर 169 को 12 कर दो 25 को क्या कर देंगे, कहोगे सर कुछ नहीं ये 13 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, इसलिए 5 आंसर सही हो गया। लो आगे बढ़ते हैं, वो लोग मारेंगे खींच के आपको -0.25, क्यों भैया, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा कितने का स्क्वायर है, उनको भी पता है कितने का स्क्वायर है। उन्होंने कहा ना कि अगर 13 का स्क्वायर है तो 13 से एक कम वैल्यू लिखा हमने 12, तो ये 5 का स्क्वायर है तो 5 से एक कम वैल्यू लिख दो, चुपचाप 4, 4 आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी। मतलब जितने का स्क्वायर है उसके जस्ट बगल में एक कम वैल्यू लिखो आप, ठीक है तब आपको खींच के देंगे एक नंबर। आगे देखो 18 नंबर कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो उसका व्यास क्या होगा। देखो कह रहे ना कि उसकी परिधि, परिधि मतलब 2πr, यही फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस का, और एरिया बराबर है मतलब πr² बराबर। भाई देखो पाई पाई कट जाएगा तो बचा क्या 2r, और ये r इंटू आर स्क्वायर को कहोगे तो एक एक r कट जाएगा, तो रेडियस बराबर आ गया 2। कह रहे डायमीटर बताओ भैया उसका तुम, तो क्या होता है 2 इंटू आर होता है, तो r की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4,
दुगना होता है ना रेडियस का डायमीटर, वही सीन है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, हो गया ना। चलो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। मतलब भैया तुमको अगर पास करना है तो कम से कम 40% मार्क्स लेके आओ, ठीक है, अदरवाइज वैल्यू नहीं देंगे तुमको, यहाँ से फेल करके भगा देंगे। फिर कह रहा है अगर ठीक है 40% तुमको लाना जरूरी है, यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है, मतलब 220 अंक ला के भी ना वो 20 नंबर से फेल हो जाता है, और गर्व से कहेगा कि हम तो खाली 20 नंबर से फेल हुए हैं, मतलब 20 नंबर पॉकेट में थोड़ी मिलते हैं। आगे देखो, तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था, सिंपल सा सवाल है भाई। मान लो एक्स में अगर 40% ला दोगे ना तो पास हो जाओगे, और वैसे ही अगर 220 नंबर लाया था, 20 नंबर और ला देता तो पास हो जाता, मतलब 220 में 20 नंबर और ऐड कर देंगे तो पासिंग मार्क्स बन जाएगा, जो कि 40% के बराबर हो जाएगा, है ना। एक्स का 40% बराबर है 240 के, तो ये कट जाएगा 6 बार में, तो एक्स बराबर 600। तो टोटल मार्क्स हमने क्या माना था, एक्स, टोटल मार्क्स हमने माना था एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 600, तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। अब देखो मैं जो बोल रहा था ना, यहाँ पे बोलेगा खाली हम तो 20 नंबर से फेल है, ठीक है। हमारी तरफ हुआ था एक बच्चा, एक बार रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, उसके मार्क्स शायद माइनस में आए थे, मतलब लड़का ही था, हमसे सीनियर था वो, 2-3 साल पहले वाली बात बता रहा हूँ। अब वो माइनस में मार्क्स ला के उसका रिजल्ट चेक किया जा रहा था, तो बोल रहा बताओ भाई मेरा हुआ कि नहीं हुआ। हम उसको सब बता रहे थे तुम्हारा मार्क्स आया -24 के नीचे, -2 ऐसे करके कुछ मार्क्स आया था, फिर भी वो पूछ रहा जबरदस्ती क्या है नहीं मेरा रिजल्ट हुआ, अब बताओ भाई। ये कि 20-20 नंबर से फेल होके भी लोग कहते हैं गर्व से, रेस में जाएंगे खाली 100 मीटर तो पीछे थे भैया, 100 मीटर कम नहीं कहते हैं इसको, लोग 10-10 मीटर से फेल होते हैं, ठीक है। आगे देखो, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, यदि ये सिक्के क्रमशः 2, 3 और 10 के अनुपात में हैं तो उनका मूल्य 288 रुपये है, तो 25 पैसे वाले कितने सिक्के थे, उनका रेशियो क्या है भाई 2, 3 और 10 के रेशियो में। मान लेते हैं 2x रुपीज़ हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है, मान लो 2x सिक्के हैं, 50 पैसे के 3x सिक्के हैं और 25 पैसे के 10x सिक्के हैं, तो 2x सिक्के हैं 1 रुपये के, तो 1 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है 2x हो जाएगा, फिर 50 पैसे से 3x को मल्टीप्लाई करोगे 3x/2, बिकॉज पैसे को रुपीस में चेंज करेंगे तो आधा रुपया 1/2 हो जाएगा, फिर 25 पैसे से 10x को मल्टीप्लाई करोगे 10x/4, क्यों 25 पैसे को 1/4 टिकते हैं ना, 25/100 करोगे तो ये टोटल कितने रुपए मिल जाएंगे 288 रुपये। ये 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, इनके आप LCM ले लो 2, ये हो जाएगा 4x + 3x + 5x बराबर 288, तो ये 5 × 4 = 9, ये 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 12, थोड़ा मैं ना इसको साइड में लिखता हूँ, अदरवाइज अगल बगल खिचड़ी हो जाएगा, इधर लिखते हैं, ये हो जाएगा 12x/2 = 288, तो 12 × 2 = 24, 12 × 6 = 48, x बराबर 4 × 8 = 48 हो गया। तो पूछ रहा 25 पैसा का कितना क्वाइन है भाई, तो कहोगे सर 10x था, तो 48 × 10 कर दो 480 सिक्के, ठीक है। चलो कहाँ से लेके आया आखिर इतना सारा सिक्का वो 25 पैसा का, बड़ी सोचने वाला बात है भाई। चलो फिर 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शर्मा जी वर्ष के पहले 4 महीने में औसतन 1800 रुपये और अगले 8 महीने में औसतन 2000 रुपये खर्च करते थे, उनकी वार्षिक बचत जो है 5600 रुपये है, उनकी मासिक आय का औसतन क्या है। देखो पहली बात तो पहले चार महीने तक कितना औसतन खर्च किया 1800, तो टोटल कितना खर्च किया एवरेज से मल्टीप्लाई करो तो टोटल निकल जाएगा 7200। अगला 8 महीना में शर्मा जी ने 2000 खर्च किया, तो ये बन जाएगा 000, मतलब 16000, तो टोटल कितना खर्च हुआ भाई करोगे 23200, यही ना। बाकी उनका बचत कितना था एक साल का 5600, तो ये हो गया 6, 7, 8 और 2, मतलब टोटल इनकम हो गई है, क्यों, क्योंकि ये आपके एक्सपेंस और उनकी सेविंग्स को हम जब ऐड कर देते हैं टोटल खर्च आ जाता है, सॉरी टोटल इनकम आ जाता है, तो टोटल इनकम है आपका एक साल का, लेकिन वो मासिक पूछ रहा है तो 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है 12 × 2 = 24, 12 × 6 = 48, तो 2400 आ जाएगा मंथली, वो 2400 रुपये कमाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमाते हैं। आगे चलो,
22 नंबर है, मतलब वही होंगे 2 दिन कमा के 4 दिन छुट्टी मारने वाले। प्रवीण और मनोज की वार्षिक आय जो है ना वो 4:3 के रेशियो में है, उनके खर्च की रेशियो 3:2 के रेशियो में, और प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 बचाते हैं। तो प्रवीण और मनोज की वार्षिक आय क्या है? देखो जब दोनों सेम बचाते हैं तो हमने क्या फॉर्मूला कहा था? पूछ क्या रहा है भाई, वार्षिक आय पूछ रहा है ना प्रवीण की। तो मान लो प्रवीण की वार्षिक आय 4x हो जाएगा बिकॉज जो रेशियो दे रखा है, और दूसरा कौन है मनोज, मनोज की 3x हो जाएगी। तो ये एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स बराबर हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है, 3 × 6 = 3 × 9 = 4 × 12 ठीक है, सॉरी 4 × 2 = 8 है, 3 से नहीं करना। अब एक चीज देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखोगे, पहले तो जो 1 और 600 रुपये बचाते हैं, और सेकेंड रेशियो के बीच का डिफरेंस 1, तो एक्स बराबर आ गया 600। तो प्रवीण का हो जाएगा 4 × 600 मतलब 2400, और दूसरा कौन है भाई मनोज, 3 × 600 मतलब 1800, यही कमाते हैं वो लोग, ये इसका सही आंसर है। 23 नंबर है, एक नल और हौज को, सॉरी एक नल एक हौज को 5 मिनट में भरता है, दूसरा इसको 10 मिनट में खाली कर सकता है। तो दोनों एक नल एक साथ खोले जाएं, दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, परंतु 5 मिनट के बाद दूसरा नल बंद कर दिया जाए, तो उस समय हौज का कितना भाग भर जाता है, मतलब बंद जब किया गया ना 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना हिस्सा भरा, पहली बात तो पूरा हौज कितने टाइम में भरेगा, तो पहला भरता है दूसरा खाली करता है, तो 10 - 5 करेंगे 50/5, मतलब ये 10 मिनट में कंप्लीट भर देंगे, 5 मिनट में कितना भरेंगे भाई, आधा, क्लियर है, 5 मिनट में कर लो, आधा भरेगा वो, है ना, 5 मिनट में भर सकता था 5 मिनट में, और ये 10 मिनट मतलब 5 मिनट में कितना भरेंगे अगर 10 मिनट में पूरा भरता, तो 5/10, ये तो खुद सोचने वाली चीज़ है। देखो 10 मिनट में पूरा भर जाएगा कोई चीज़, तो 5 मिनट में कितना भरेगा, तो आधा ही भरेगा ना, उतना मैं कहा आपको समझा रहा हूँ, आप खुद समझदार हो। 24 नंबर देखो, लोहे के 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा की लंबाई बताओ। नए एक देखो, जब भी कोई चीज़ को पिघलाकर, 2, 3, 4, 5 चीज़ को पिघलाकर कुछ नया चीज़ पूछेगा और कहेगा उसकी भुजा की बताओ, तो उसका ना मैं बताता हूँ वॉल्यूम बराबर हो जाता है, बड़े वाले का वॉल्यूम होगा बाकी जो छोटे 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 जो चीज़ें होती हैं उनकी वॉल्यूम। तो 3 घनों का वॉल्यूम क्या होता है, AQ BQ CQ, मतलब AQ का मतलब हो गया पहले घन का, सीधे सीधे समझो ना, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है ये बताओ, AQ होता है। तो बड़े वाले घन का आयतन मान लेते हैं भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा था आपसे, BQ मान लो यहाँ पे, तो फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, बाकी के 3 घनों का जो आयतन जोड़ दो, 6Q 8Q और 10Q, इनको जोड़ते जाओ, BQ की वैल्यू निकल जाएगी। तो 6Q का वैल्यू क्या होता है, 216, ठीक है। अब कहोगे सर इतना ही हमको पता रहता कि 6 का क्या होता है, 8 का क्या होता है, तो फिर हम खुद ना एयरफोर्स निकाल लेते। तो भैया मैंने पहले भी कहा आपको रटना पड़ेगा, 6 का क्यूब 216 होता है, 8 का क्यूब पता होना चाहिए 512 होता है, 10 का क्यूब तो मुंह पे याद रहेगा, 3 को 0 बैठा दो, ठीक है। अगर अभी हम सबको जोड़ दे तो कितना वैल्यू मिलेगा, हमको नहीं पता सर। तो BQ बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का 1 लिख दो, 7 लिख दो, 2 लिख दो, 8 लिख दो, 1728। तो अब भी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये भी का क्यूब इस साइड करोगे, ठीक है, क्यूब रूट निकालोगे तो निकल जाएगा 12 का क्यूब होता ही है। तो बड़े वाले की वॉल्यूम हो जाएगी 12, या फिर एक भुजा हो जाएगी 12, ठीक है, जो भी ये एक भुजा जो हो जाएगी वो कितना, इसको ना आप सीधे सीधे ए बना दो ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए, मैं ए लिख देता हूँ, मतलब बड़े वाले की भुजा, ठीक है, चलो ए की वैल्यू निकल गई 12, क्लियर है, यही आंसर है ना, हाँ ए आंसर है। 24 नंबर देखो, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, जिसके अंतर्गत जो है अधिक से अधिक कितना मीटर का छड़ रखा जा सकता है। जब भी ऐसा सवाल देना कि एक कमरा है, ठीक है, कमरा, कैमरा नहीं, कमरा, ऐसा ही होता है ना कमरा, 4 दीवारें होती हैं उसके अंदर, ठीक है, 4 ओर से उसकी हाइट भी होती है, इसके अंदर सबसे लंबा छड़ रखा जाएगा ना, तो वो डायगोनली तिरछा रखा जा सकता है। खुद जिस रूम में बैठे हुए ना, तो इमेजिन करो क्या ऊपर से नीचे तक की लंबाई ज़्यादा है, या फिर सरफेस का नीचे जहाँ बेड रखते हो उस तरीके से लंबाई ज़्यादा है, या फिर
तिरछा तिरछी कोना कोनी की लंबाई ज्यादा, तो बोलोगे सर कोना कोनी, जिसको हम लोग अपनी भाषा में डायगनल या फिर हिंदी में विकर्ण कहते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, घनाभाकार घर होता है ना, घनाभ टाइप का, तो घनाभ का वो क्या होता है विकर्ण? अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर को जोड़ दो, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 36 9 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 49 मतलब 7। तो वो घर जो सबसे मैक्सिमम लंबाई होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी, तिरछा तिरछी रखोगे तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, 26 कह रहे हैं 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? देखो 30 आदमी 5 घंटे काम करके 16 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 40 आदमी 6 घंटे काम करके एच डेज में कंप्लीट करेंगे, तो सीधे सीधे 0 0 कटा लो, ये 4 के टेबल से इनको 4 बार में कटा लो, और 3 के टेबल से इनको 2 बार में कटा लो, और 2 के टेबल से ये 2 बार में कटा लो, तो एक्स बराबर आ जाएगा ये 5 और 2 मल्टीप्लाई होके 10 डेज में। भैया वो 40 आदमी 6 घंटे रोज काम करेंगे तो 10 दिन में काम को निपटा देंगे। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगर इसके साथ कुछ ये करके ऐसे बना देते हैं तो इसके साथ भी कुछ कुछ कर दो सर, और कुछ बना दो इसको भी। ठीक है, देखो हमने पहला चीज देखा, ये जो है ना ये तीर, तो ये देखो उल्टा हो जा रहा है, तो वैसे ही इसका तीर जो होगा ना ये ऐसे उल्टा हो जाएगा। तो देखो सी नंबर और ए नंबर की गाड़ी खत्म हो गई, इनका तीर और इनका तीर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है, रामायण का सीन याद दिला रहा है, तो इनको खत्म कर सकते हैं, इनको यूज ही नहीं है, या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है, बात समझ में आ रही है? और बी और डी में किसी एक को आंसर करना हो तो आप किसको करना पसंद करोगे? कहोगे सर देखो डी तो हमारे किसी अपने का नाम है डी से, तो उसको कर देते हैं, कुछ कहेंगे सर नहीं हमारे वाले का नाम बी से है तो हम बी कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप बी और डी में किसी एक को चुनना हो ना, ये देखो इधर एक छोटी सी जो लाइन थी बीच में इसमें गायब कर दी गई है, और ये जो एक लाइन था इसको 2 लाइन बना दी गई है, ठीक उसी प्रकार इसकी छोटी सी लाइन गायब करके ये जो 3 लाइन थे इनको 4 लाइन में कन्वर्ट करना होगा। तो बी में तो 4 लाइन बना के छोटी सी वाली को रख दी गई है, ठीक है, तो ये छोटी सी वाली क्या करेगी भाई, अंडा थोड़ी देगी बैठ के यहाँ पे, उसको हटा दो बी को, खत्म, करेक्ट आंसर बचा डी। अब 4 के 4 रह गए हैं, छोटी वाली खत्म हो गई, करेक्ट आंसर डी है। 27 हो गया, 28 देखो कह रहा पहले सी यहाँ पे था फिर उनको हमने पीछे फेंक दिया, ओके, यहाँ पे जो वो जो था ना क्या कहते हैं इसको, चतुर्भुज स्क्वायर, हमने इसको यहाँ कर दिया फिर स्क्वायर यहाँ गया, तो पहले तो सी को मारो गोली, पहले देखो स्क्वायर यहाँ था, दूसरे वाले में आगे बढ़ा, तीसरे वाले में यहाँ आया, चौथे वाले में यहाँ, फिर जब यहाँ गया तो अगेन यहाँ पे आए, नहीं कि इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, तो इस डब्बे के अंदर का जो छोटा सा स्क्वायर है ये नन्ना मुन्ना राई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करे सर, अब ये एरो ना कुछ कमाल कर रहा है सर, इसके बारे में देखो, ये मान लेते हैं फर्स्ट फिगर में क्या है ना ये यहाँ पे है, सेकंड फिगर में देखो ना सर ये यहाँ पे आ गया है, थर्ड फिगर में देखो ये यहाँ पे आ गया है, और फोर्थ फिगर में देखो इनको ये नौटंकी कर रहा है, इधर आ गया इस बार, ठीक है, और देखो फिफ्थ फिगर के अंदर पूछो मत सर, ये ना इस बार यहाँ पे आ गया है, देखो पहले में यहाँ पे था ना दूसरे में यहाँ, तो मतलब यहाँ से यहाँ आने में 45 डिग्री रोटेट किया, फिर यहाँ से देखो यहाँ तक आने में इस बार 90 डिग्री रोटेट कर दिया, अब जब यहाँ से देखो यहाँ तक आना है नीचे से तो इसने 135 डिग्री रोटेट किया, मतलब 45-45 डिग्री बढ़ते जा रहे हैं, फिर देखो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ गया मतलब 180 डिग्री रोटेट किया, 135 में 45 जोड़ दो 180 आ जाएगा, तो 180 में भी 35 डिग्री जोड़ के दो 45 डिग्री जोड़ दो, ठीक है, तो ये 225 डिग्री आ जाएंगे, तो मतलब 180 डिग्री पूरा रोटेट कराओगे इसको तो यहाँ आएगा, उसके बाद 45 डिग्री तो ऊपर में एकदम नॉर्थ वाले पे आ जाएगा इस बार, ठीक है। तो पहली बात हमने सुना था इसका स्क्वायर ऐसे और ये वाला जो होगा ये जो तीर है वो ऊपर की साइड में आना चाहिए, तो क्या इन दोनों से कुछ हमको मिल रहा है? मिल रहा है, बोलोगे सर सी भी और डी भी है, क्या करें सर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, देखो पहला जो सी था पीछे गया था, इसका जो ये जो है ना ऐसे अंडाकार का था वो देखो नीचे आ गया पीछे की साइड एंटी क्लॉकवाइज, इसका जो सर्कल है इसको कहाँ पे भेजे सर? तो वो भी तो घसक जाएगा ना वहां से, अब तो ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा, कर डी होना चाहिए इसका सही आंसर, डी ही है। 29 देखो इसमें कुछ नहीं कह रहा, देखो पहला सी जो है ना इस कॉर्नर पे आ गया,
इसमें जो एस था वो मतलब राइट साइड कॉर्नर में आए, तो इसका ट्रायंगल जो होगा वो कहाँ आएगा, इस कॉर्नर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो जेड बीच में था वो देखो ऊपर के कॉर्नर में सी से जाके चिपक गया, इसका जो स्क्वायर था एस से जाके चिपक गया, इसका जेड जो होगा ट्रायंगल से जाके चिपक जाएगा। तो ट्रायंगल और जेड कहाँ बैठ के चोच लड़ा रहे हैं भैया, तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर करेक्ट आंसर वही है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहे ना सर देखो पहले ये जो यहाँ पे आधा कैप्सूल मतलब पूरा कैप्सूल कैसे होता है, ऐसे होता है अगर इसको 20 से काट दें तो ये कुछ ऐसे कैप्सूल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आधा कैप्सूल कितना मुड़ा ऊपर जो था ना ऐसे, तो सर देखो यहाँ पे आ गया मतलब 45 डिग्री जा रहा है ये, फिर देखो फिर आपका ये कितना गया 45 डिग्री आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो 45 डिग्री आगे बढ़ते गया, तो इसको भी अगर हम 45 डिग्री बढ़ाएंगे तो ये जो कैप्सूल यहाँ पे था ऑब्वियसली सर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ही है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर भी डी हो जाना चाहिए। एक बार और कुछ चेक कर ले, और कुछ मिल रहा है कि नहीं इसके अंदर, अगर और भी कुछ अगर चेक करना चाहते हैं तो ठीक है। एक तो मिल गया कि इसका कैप्सूल हमको यहाँ आ गया, दूसरा देखो इसका जो ये जो है ना ये दोनों फिगर देखो अदला बदली हो गए, इसका भी स्क्वायर और कैप्सूल देखो ये भी कोनी कोनी, ये सी वाला ना, सी वाला और ये चतुर्भुज वाला देखो ऊपर नीचे का, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे आ गया। उसी प्रकार ये स्क्वायर और ये सी भी देखो नीचे का ऊपर आ जाएगा, डी ही होगा इसका, ठीक है। 30 क्वेश्चन खत्म, कमेंट करके बताओ कितने आपने सही किए, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाओ, ए टू जेड स्टडी ऐप पे जाओ, ऐप डाउनलोड करो। पेड बैचेस से नहीं जुड़े हो ना तो कम टाइम के अंदर ना बढ़िया तैयारी करने के लिए आप पेड बैच ज्वाइन करो। मैं गारंटी देता हूँ जो भी क्लासेस इसके अंदर अपलोड हो रही हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, और 95% चीज़ें वहाँ की पढ़ाई हुई चीज़ें आपको मिलने वाली है। अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हो 2-2.5 महीना भी ना दम लगा के, तो आपका सिलेक्शन हो जाना है। अगर दम लगा के पढ़ोगे तब, अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ोगे तब, ठीक है। बाकी इंग्लिश की बैच भी है, सिर्फ अगर इंग्लिश लेना तो वो भी ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।